मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड में आज हम यूनिट फिफ्थ इम्यूनोलॉजी में सबसे पहले बेसिक आइडिया ऑफ इम्यून डिसऑर्डर को स्टडी करेंगे। 1950 में हेनरी जी कुनकेल रॉकफेलर हॉस्पिटल में यह स्टडी कर रहे थे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट जो होते हैं उनमें आखिर ऐसा क्यों होता है कि एंटीबॉडी अपने ही बॉडी के टिश्यू को खत्म करने लग जाती है। उन्होंने आगे प्रोटीन केमिस्ट्री को एक टूल के रूप में डेवलप किया और कुनकेल और उनके साथियों ने यह प्रदर्शित किया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में उनके ब्लड में एंटीबॉडीज जो होती है वो अपने शरीर की कुछ एंटीबॉडी के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करती है जैसे कि एक एंटीजन करता है, और इस प्रकार से उन्होंने इम्यून डिसऑर्डर की खोज की। जैसे कि हम इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं कि नॉर्मल इम्यून फंक्शन जब होता है तो वो किस प्रकार का होता है। द इम्यून सिस्टम इज लाइक ए गार्ड डॉग दैट प्रोटेक्ट योर बॉडी अगेंस्ट थ्रेट। तो नॉर्मल इम्यून सिस्टम जो है थ्रेट के अगेंस्ट में काम कर रहा है गार्ड डॉग की तरह से। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि जो हमारे साथी हैं कोई जो घर पर आए हैं उन्हीं पे वह अटैक कर देता है डॉग अगर, तो उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी की तरह देखते हैं। Sometimes the immune system may overreact and attack things that are not inherent harmful. जो harmful नहीं है उन पर भी attack कर देता है। Immunodeficiency disorder में क्या होता है, जैसा कि diagram में आप देख रहे हैं dog जो है immune system जो है वो कमजोर हो गया है, बीमार पड़ गया है। Sometimes the immune system stop working, rendering the body defenseless. जब इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो हमारी बॉडी डिफेंसलेस हो जाती है। तो यह इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में इस प्रकार से होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि वह जो हमारा गार्ड हो गए वो बॉडी हम पर खुद पर ही अटैक करने लग जाता है। समटाइम्स द इम्यून सिस्टम माइट फेल टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड एंड फॉय, मित्र और शत्रु के बीच में वो अटैक करना भूल जाता है या क्षमता खत्म हो जाती है डिफरेंस करने की, तो वह खुद की बॉडी पर ही अटैक करना शुरू कर देता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में। तो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर एनी ऑफ वेरियस फेलियर इन द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट infectious organism. Disorder of immunity include immune deficiency disease such as AIDS that arise because of diminution of some aspect of immune response. Other types of immune disorder such as allergies and autoimmune disorder. तो तीन प्रकार के disorder immune disorder में हो जाती है। डेफिशिएंसी डिजीज होती है, एलर्जीज हो सकती है जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है,
और तीसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आर कास्ड व्हेन द बॉडी डेवलप एन इन अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू अ सब्सटेंस आइदर टू अ नॉर्मली हार्मलेस फॉरेन सब्सटेंस फाउंड इन द एनवायरमेंट इन द केस ऑफ एलर्जीज और टू ए कंपोनेंट ऑफ द बॉडी इन द केस ऑफ इम्यून डिजीज लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम कैन बिकम कैंसरस एंड गिव राइज टू ट्यूमर्स ट्यूमर्स कॉल्ड ल्यूकेमिया। तो इस प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में वाइट ब्लड सेल्स की जो लिम्फोसाइट है उनमें कैंसर हो सकता है जिसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं और यह लिम्फोमा और मायलोमा भी होता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं।